पांडे ने फाइनली अपनी शर्तें बता दी हैं कि किन शर्तों पे वो आइटम सॉन्ग करेंगी। यहाँ पे बहुत सी फेस होती हैं सेक्सी दिखने के लिए और गर्ल का कंट्रोल भी, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा और वो शर्तें क्या थी, ये सब बातें आपको वीडियो में पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से अप टू डेट रह सके नोटिफिकेशन के थ्रू। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आइटम सॉन्ग जब भी हमारे जहन में आते हैं तो हमारे जहन में मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी जैसे आइटम सॉन्ग आते हैं जो पास्ट में होते नहीं है, जिन्हें लोग ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी। लेकिन 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 बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक स्टार की जर्नी के अनन्या पांडे से एक इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या आप कभी आइटम सॉन्ग करेंगी, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आइटम सॉन्ग कर सकती हूँ लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा कि वो सिर्फ वही आइटम सॉन्ग करेंगी जिसमें उन्हें ऐसा लगेगा कि जो औरत है वो एम्पावर्ड है, उसके पास अपना एक कंट्रोल भी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी और उसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज करके दिखाया जाएगा और भी अगर इस तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं उसका कंट्रोल नहीं होगा तो मैं वो आइटम सॉन्ग नहीं करूँगी। हर चीज़ की एक हद होती है, एक हद तक सेक्सी दिखना ठीक है लेकिन सेक्सुअलाइज होना बहुत बुरी चीज़ है। उसका कहना है कि पूरा दिन हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जब दिन का एंड होता है तो हम कहते हैं कि हमने इंटरटेनमेंट के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि हाँ मैं इंटरटेनमेंट के लिए काम करूँगी ना कि इंटरटेन